सो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कहता है बेटा अपने से, अ कोर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कोर्ड है जिसकी रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। सबस्टेंडेड अ राइट एंगल ऑफ द एट द सेंटर। और क्या बना रहा है? राइट एंगल बना रहा है सेंटर से। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेक्टर। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर क्या होगा अब बताइएगा। तो आप इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, तो अपने को क्या गिवन है बेटा, कोर्ड ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है कंफर्म। तो आप लिखना है यहाँ पर रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो आप लिखना है रेडियस ऑफ अ सर्कल कितना है बेटा आपका, 10 सेंटीमीटर। आगे बोलता है राइट एंगल एट द सेंटर। जो सेंटर से, सुनना, सेंटर से जो एंगल बनाता हो, सुनना, सेंटर से जो एंगल बनाता हो वो 90 डिग्री को बना रहा है। मतलब यहां पर जो एंगल बना रहा है ये कितना बना रहा है, 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग, किसके रिगार्डिंग पूछ रहा है वो समझना आप। माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट यानी क्या, नीचे नीचे वाला पोर्शन है, दैट दिस पोर्शन इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। अगर आप नाम देना चाहो तो ओ ए, इसको सी और इसको बी नाम दे दो, ओ ए सी, ठीक है। तो आपको जो एरिया किसका निकालना है, माइनर सेगमेंट ए सी बी का निकालना है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, लास्ट में लिख देना, बीच में कैलकुलेशन पड़ेगी, माइनर सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिखना पूरा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया निकलेगा तो निकलेगा कैसा, ये चीज समझो। सेक्टर में से क्या करो, सेक्टर में से अगर ट्राइंगल का एरिया को गायब कर डालो, सेक्टर में से अगर ट्राइंगल के एरिया को गायब कर डालो तो क्या निकल जाएगा आपका, बोलो, सेगमेंट निकल जाएगा ना, माइनर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ अ सेक्टर, अब सेक्टर का नाम आपको बताना पड़ेगा, सेक्टर का नाम क्या है यहां पर, ओ ए सी बी माइनस का एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विच इज ओ ए बी। ट्राइंगल क्या हमारा, ओ ए बी हमारा, इसमें से माइनस करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला क्या थोड़ा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर माइनस का एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बेटा आपका, इस ट्राइंगल में अगर 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री में आपका देखो, अगर हमारा 90 डिग्री ऐसे बना रहा है कोई चीज, और ये है ओ, ये है ए, ये है बी, तो ओ ए इंटू ओ बी होगा, ठीक है। थीटा क्या है बेटा, 90 अपॉन में 360 इंटू पाई के वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 10 × 10 माइनस का हाफ। ओ ए कितना है बेटा आपका, 10 इंटू ओ बी कितना है बेटा आपका, ये भी रेडियस पे कितने इधर का, 10, ठीक है। चलो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करते हैं इसके रिगार्डिंग। ये कैलकुलेशन खुद कर लोगे क्या आप, अगर कर लोगे तो ठीक, नहीं तो फिर मुझे करानी पड़ेगा फिर, और क्या। चलो कैलकुलेशन बाद में करता हूँ, इससे पहले एक और चीज क्या पूछा है वो समझते हैं। मेजर सेक्टर पूछा है, मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर। खैर इसको हमको पहले करना था, इसको बाद में, तो हम कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप इसको बाद में लिख देना। सेकंड पॉइंट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर एरिया निकालने के लिए हम जनरली देखो, हमको पता है पाई आर का स्क्वायर तो आएगा सर्कल में, अपॉन 360 तो आएगा, बट यहां पर जो एंगल लिया जा रहा है ऊपर की साइड, ऊपर से जो एंगल लिया जा रहा है वो बेटा 90 में से 360 माइनस होगा, तभी तो हमारा मेजर सेक्टर का एरिया रहेगा। मेजर सेक्टर के नीचे क्या, दिस पोर्शन दैट विल यू कवर इट, दैट इज मेजर सेक्टर। सो हम कह सकते हैं थीटा माइनस का 90, सॉरी 360 माइनस का 90 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, आप यहाँ पर लिख सकते हो 360 माइनस का थीटा लिखो, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली 90 डिग्री, ठीक है। तो 360 में से अगर 90 जाएगा तो कितना बचेगा आपका बेटा, 270 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू बेटा कितनी, 22/7, और रेडियस इज व्हाट, 10 × 10। गॉट इट द आंसर राइट हियर, इस जीरो से जीरो कटा,
ठीक है। और 9 के 12 में 27 आता है बेटा 3 टाइम पे, और 36 आता है 4 टाइम पे। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। इसके बाद 2 के 12 में पता आता है 11 बार पे, 2 के 12 में आता है 2 बार पे, ठीक है। 2 के 12 में 10 कटा, ये 5 बार पे। अब कुछ बच रहा है? नहीं। तो 3 × 11 × 5, देखो 3 5 जा कितना हुआ, 15 हुआ। 15 × 11 करो, 15 × 11, तो आपका 15, और ये 15 तो आपका 165। 165 अपॉन में, और नीचे क्या है, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और चाहो तो आप अगर एग्जैक्ट लिखना चाहो, इसका एग्जैक्ट आंसर है बेटा आपका सेवेंटी एट पॉइंट फाइव, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि हम इधर साइड, चलो डिवाइड करते हैं, 165 अपॉन में 7, सॉरी 7 से डिवाइड करते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू इसने बोली थी आपको 3.14 रखने के लिए, तो लगभग आंसर यही आना चाहिए था, बट कोई नहीं। तो आंसर बेटा इसका, सॉरी इसका है बेटा 235, सॉरी इसका आंसर है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर, एग्जैक्ट आंसर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आया? और इंटू ये 0, ठीक है। 7 के 12 में 2 बार पे आता है 14, बचा 2 अपॉन 5, 7 3 जा होता है 21, बचा क्या आया 4 और 0, ठीक है। 7 के 12 5 बार पता 35, तो 235.5 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। नाउ इस पोर्शन को थोड़ा गैप करते हैं। अब हमको निकालना था माइनर सेगमेंट का, मेरे निकालते हैं यहां से। पहले आपने इसे नोट डाउन करो बेटा, कर लिया अपने नोट डाउन। अब ये वाला फॉर्मूला देखो हमारा कैसे निकलेगा। इसको अगर कैंसिल आउट करा तो ये 50 टाइम पे चला जाएगा, 5 टाइम पे चलेगा, तो माइनस का इक्वल हो जाएगा 50 आ जाएगा इधर, ठीक है। इधर तो माइनस का 50, और इधर क्या आएगा वो चीज बताओ। ये जाएगा बेटा 0 से 0 कटा, 9 के 12 में 4 बार पे नीचे चला गया, 2 के 12 में ये 11 बार पे गया, 2 के 12 में 2 बार पे गया, 2 के 12 में ये 10 गया 5 बार पे। तो 11 × 5 होता है 55 × 10, तो 550 अपॉन में 7, ठीक है। अब 550 अपॉन में 7 डायरेक्टली लिख लो, 550 अपॉन में 7। अच्छा डिवाइड करोगे आप तो 7 7 49, तो 7 बार पे ऐसे कुछ कटेगा, तो 78 पॉइंट आपका आएगा 5। और आप इसको माइनस करोगे तो आपका एग्जैक्ट जो आंसर आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। गॉट इट द आंसर और नॉट?